सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसको जानने के लिए एक बीकर में बिलियन को ले लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है। दोस्तों, जब हम इस पॉजिटिव आयन की चालकता को निकालते हैं तो हमें इसकी चालकता मिलती है 5। और दोस्तों, जब हम इस निगेटिव आयन की चालकता निकालते हैं तो इसकी भी हम चालकता मान लेते हैं कि 5 मिलती है। अब चूंकि हमें विलयन की पॉजिटिव आयन की चालकता और निगेटिव आयन की चालकता मिल गई है, यहाँ पर अगर हमें विलयन की समस्त चालकता को निकालनी हो तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आयन की चालकता प्लस निगेटिव आयन की चालकता कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 + 5 = 10। अब ये 10 होगा विलयन की समस्त चालकता। अब दोस्तों, यदि विलयन में 2 पॉजिटिव आयन हो जाएं और 2 निगेटिव आयन हो जाएं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन की चालकता होगी वो हो जाएगी 2 × 5, और उसके बाद में निगेटिव आयन की जो चालकता होगी वो भी हो जाएगी 2 × 5। अब दोस्तों, यहाँ पर समस्त चालकता की बात अगर की जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव आयन की चालकता प्लस निगेटिव आयन की चालकता, यानी कि 2 × 5 + 2 × 5। अब यहाँ से हम दोस्तों इसका मान तो 20 जान गए कि निकल आएगा, लेकिन यहाँ से हम सूत्र प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 2 है वो धनायनों की संख्या है, और उसके बाद में इंटू लगा है, इंटू लगाएंगे, और उसके बाद में जो ये 5 है ये एक धनायन की चालकता है। अब यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जो ये 2 है ये ऋणायन की संख्या है, और इंटू लगा है, इंटू लगाएंगे, और जो 5 है वो ऋणायनों की चालकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर विलयन की समस्त चालकता का जो सूत्र बना वो हो गया धनायनों की संख्या गुणे एक धनायन की चालकता प्लस ऋणायनों की संख्या गुणे एक ऋणायन की चालकता। तो दोस्तों, ये हमने समझाने के लिए इस प्रकार से बताया। अब दोस्तों, यहाँ पर हम कोलराउस के नियम को जानते हैं। तो कोलराउस ने अपने नियम में बताया कि अनंत तंता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित समस्त धनायन और ऋणायन की अनंत तंतु पर आयनित चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आणविक चालकता को हम लेमडा एम से प्रदर्शित करेंगे, और अनंत तन्यता के कारण ऊपर इनफाइनाइट लगा देंगे, और उसके बाद दोस्तों धनायन के लिए जो आयनिक चालकता को प्रदर्शित करेंगे वो एक्स लेमडा सी और ऊपर इनफाइनाइट लगा देंगे क्योंकि अनंत तन्यता पर है, और उसके बाद में ऋणायनों की आयनिक चालकता को प्रदर्शित करेंगे वाई एक्स ए ऊपर इनफाइनाइट। दोस्तों, यहाँ पर ए जो है वो एनायन है और सी जो हमने लिखा है वो कैटायन है। तो दोस्तों, अब हम इनके नियमानुसार लिख सकते हैं लेमडा एम ऊपर इनफाइनाइट इजिकल टू एक्स लेमडा सी इनफाइनाइट प्लस वाई लेमडा ए इनफाइनाइट। सो दोस्तों, यही है कोलराउस का नियम। दोस्तों, जो हमने ऊपर गणितीय रूप में सूत्र को प्राप्त किया था उसका कंपेरिजन अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पर जो यक्स है वो धनायनों की संख्या है, और लेमडा सी जो है वो एक धनायन की चालकता है, और उसके बाद में जो वाई है वो ऋणायनों की संख्या है, और उसके बाद में जो लेमडा ए है वो एक ऋणायन की चालकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।